गाजियाबाद में 3 दिन में 42 लोगों ने तोड़ा दम, हीटवेव से मौत की आशंका, कारण की जांच के लिए कमेटी का गठन। नोएडा में 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर मिले 14 लोगों के शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिकतर मामलों में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और निमोनिया से मौत। दिल्ली में जानलेवा बनी गर्मी, 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 5 लोगों की मौत, आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए थे 22 मरीज, सफदरजंग अस्पताल में 5 लोगों की मौत। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर पर हीट स्ट्रोक के 12 मरीज, सभी की स्थिति गंभीर, प्रचंड गर्मी से अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सभी बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर्स के साथ हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज को लेकर की बात। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 9 मरीज भर्ती, वेंटिलेटर पर हैं 4, पिछले एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का केंद्र सरकार के सभी अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को आदेश, हीट स्ट्रोक से बीमार हुए लोगों को इलाज में दी जाएगी प्राथमिकता। दोपहर 3:06 पर दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े अभी तक के सभी रिकॉर्ड, 8,556 मेगावाट तक पहुंच गया आंकड़ा। राहुल गांधी का बड़ा दावा, एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले, केंद्र के पास बहुमत से थोड़े अधिक ही सांसद, छोटी सी उथल पुथल में गिर जाएगी सरकार। इंटरव्यू में बोले राहुल, मोदी खेमे में जबरदस्त नाराजगी, हमारे संपर्क में है एनडीए के कुछ सहयोगी, बीजेपी का पलटवार दिन में ही देख रहे हैं राहुल सपने। 20 जून 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे पीएम, सख्त की गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ की 84 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, खेती से जुड़े 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को करेंगे लॉन्च। नीट धांधली में बिहार के मंत्री तक तार जुड़ने पर राजनीतिक युद्ध, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आरजेडी माइंडसेट के लोग ऐसा करते हैं। पटना में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था एक आरोपी, रजिस्टर में आरोपी के नाम के साथ कथित मंत्री का भी उल्लेख लेकिन नाम नहीं लिखा। नीट धांधली मामले में पटना में ईओयू के ऑफिस में एक छात्रा की पेशी, कथित पेपर लीक केस में पूछताछ के लिए एजेंसी ने भेजा था ऐसे नोटिस। दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा 21 जून तक पानी नहीं मिला तो शुरू करूंगी अनशन। अरविंद केजरीवाल पर सरकार पर बीजेपी का पलटवार, कहा टैंकर माफिया से इनकी सांठगांठ, पानी संकट को लेकर दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं ने निकाला विरोध मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली सरकार पर आरोप, कहा हम दिल्ली को दे रहे हैं पूरा पानी लेकिन सही से जल वितरण में विफल रही दिल्ली की सरकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकवादी, हादीपुरा में हुई मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। रियासी में टूरिस्ट बस पर आतंकवादी हमले में पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकवादियों की मदद करने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। मोदी कैबिनेट ने खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी में की बढ़ोतरी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया। पीएम मोदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया, बोले किताबों को जलाया जा सकता है ज्ञान को नहीं, राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया परिसर। आज 54 साल के हो गए राहुल गांधी, दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काटा केक, बहन प्रियंका राहुल के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। धर्मशाला में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से मिला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तीखा हमला, कहा दलाई लामा की विरासत तो हमेशा रहेगी लेकिन कुछ वर्षों में चले जाएंगे शी।